नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। कल आईपीएल का 13वां मैच खेला गया और ये मैच मुंबई और दिल्ली के बीच में खेला गया। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने पहले टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद मुंबई की टीम पहले बैटिंग करने के लिए उतरी और मुंबई की तरफ से 137 रन बनाए गए 9 विकेट के नुकसान पर। और मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने 30 गेंद में 44 रन, क्वांटम डिकॉक ने 4 गेंद में 2 रन, श्रेयस सूर्य कुमार यादव ने 15 गेंदों में 24, ईशान किशन ने 28 गेंदों में 26, हार्दिक पांड्या ने 1 गेंद में कोई भी रन नहीं बनाया और कुणाल पांड्या ने 5 गेंदें खेली 1 रन बनाए, किरण पोलार्ड 5 गेंदों में 2 रन, जयंत यादव 22 गेंदों में 23 रन, राहुल चहर 6 गेंदों में 6 रन, जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले थे और ट्रेंट बोल्ट को एक एक विकेट मिला था। और अगर हम बात करें दोस्तों तो मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दिल्ली की टीम उतरी बैटिंग करने के लिए और दिल्ली की टीम से पृथ्वी शॉ ने 5 गेंदों में 7 रन, शिखर धवन ने 42 गेंदों में 45 रन, स्मिथ ने 29 गेंदों में 33 रन, ललित यादव ने 25 गेंदों में 22 रन, ऋषभ पंत ने 8 गेंदों में 7 रन और सिमरन हेटमायर ने 9 गेंदों में 14 रन बनाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मैच को दिल्ली ने 6 विकेट से जीत लिया। बहुत ही शानदार मैच हुआ जो है। 19.1 गेंद का मैच हुआ और इतने में ही दिल्ली की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से जो है जीत हासिल किया। मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि बॉलरों के बारे में, तो पृथ्वी शॉ ने जो है 11 रन दिए, 1 विकेट मिला, 1.3 ओवर फेंके इन्होंने। स्मिथ की बात करें तो इनको 2 सफलताएं मिली, 64 रन इन्होंने, और उसके बाद 19.9.2 ओवर इन्होंने फेंके। शिखर धवन की बात करें तो आईपीएल का आंखों देखा हाल। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा मैच। हम आप लोगों को हाईलाइट मैच अभी अगले वीडियो में आएगा। ये हमारा वीडियो अभी थोड़ा सा ही आप लोगों को जानकारी दे पाए, अगले वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।